हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उत्कृष्ट फूड्स। आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं क्रिस्पी व्रत वाले स्नैक्स, जो कि साबूदाने से इंस्टेंटली बन जाते हैं। आपको भिगोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही यम्मी लगते हैं ये। ज़रूर इस नवरात्रि आप इसे ट्राई करिएगा। तो सबसे पहले ले लिया है मैंने साबूदाना। मैंने हाफ कप साबूदाना लिया, जिसे मैं मिक्सर ग्राइंडर में ऐड कर दूंगी। डायरेक्टली ही आपको ऐड कर देना है और दरदरा सा आपको पीस लेना है, यानी कि कोर्स पाउडर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा एकदम पाउडर नहीं कर देना है, देखिए इस तरीके का। उसके बाद मैंने इसे बोल में ट्रांसफ़र कर दिया है। उसके साथ ऐड कर दिया है 2 आलू उबले हुए, अच्छी तरीके से थोड़ा सा मैश कर दिया था। उसके बाद ऐड करेंगे पीनट्स यानी मूँगफली, जिसे मैंने कूट लिया था। उसके बाद ऐड कर दिया है 1/2 टीस्पून अदरक, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया था। 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून जितना काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है। 2 से 3 हरी मिर्च को बारीक काट करके ऐड कर दिया है। आप स्पाइसी आपके अकॉर्डिंग रख सकते हो। उसके बाद धनिया पत्ता ऐड कर दिया है थोड़ा सा, और साथ में सेंधा नमक ऐड किया है। 1 टीस्पून जितना मैंने नींबू का रस ऐड करके अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। आपको इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मिक्स करते हुए कोट कर लेना है। सारा आलू और साबूदाना एक साथ मिक्स हो जाएगा और अच्छा सा एक डो यानी कि आटा फॉर्म हो जाएगा। उसे आपको ढक करके 10 मिनट के लिए रख देना है, ताकि अच्छी तरीके से जो साबूदाना है वो सोख हो जाए और जो मॉइस्चर आलू में होगा वो साबूदाने में चला जाए और आपका जो डो है वो एकदम लूज ना हो जाए। और ये जो मेजरमेंट है, 1/2 कप साबूदाना के सामने 2 आलू मीडियम साइज़ के बॉईल किए हुए आपको लेना है। उसके बाद मैंने ये जो डो है उसे अच्छे से मिक्स कर लिया था और एक बार। अब जो ये डो है, इसको आप बेकिंग पेपर के बीच में या फिर आप प्लास्टिक पेपर के बीच में रख कर के बेल सकते हो। अगर आपको ये नहीं करना है तो आप रोल्स भी बना सकते हो छोटे छोटे हाथों से। अच्छी तरीके से बेलने के बाद ये फ्लैट हो जाएगा। ज़रूरी है कि थोड़ा सा पतला हो, क्योंकि ये तलने के बाद फूल जाता है। तो अच्छी तरीके से हमने साइड्स भी निकाल दिए थे और फिर मैंने कट कर लिया है मोटे मोटे स्ट्रिप्स में, ताकि बहुत अच्छे सुंदर लगे, एकदम एक जैसे लगने चाहिए। उसके बाद बीच से मैंने कट कर दिया है और देखिए इस तरीके का जो है वो साबूदाना का नाश्ता आपका दिखेगा। उसके बाद मैंने ले लिया है ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म कर दिया था। अब एक एक करके जो साबूदाना का स्नैक है वो आपको ऐड कर देना है गरम तेल में। अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम फ्लेम पर आपको इसे तल लेना है। एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी आवाज़ आने लग जाए उसके बाद आप इसे निकाल लीजिए और सर्व करिए हरी चटनी या फिर दही के साथ। ज़रूर ट्राई करिएगा रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।